टेबल्स छोटे बच्चों को स्टार्टिंग कैसे करानी है वो हम इसमें देखेंगे। ऑलरेडी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम घर में उनको कैसे याद कराएंगे। कोई ट्रिक्स नहीं, कोई टिप्स नहीं इसके लिए। फिर ये हमारे काम आएगा किसके, मल्टीप्लिकेशन में आगे। तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या क्या एक्टिविटीज़ बच्चों को करा सकते हैं जिनसे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मल्टीप्लाई से वो क्या समझते हैं। मल्टीप्लाई मतलब बढ़ना, इतने टाइम्स होना किसी चीज़ का, किसी कोई तीन ग्रुप हैं या कोई चीज़ है तो वो कितने टाइम्स आ रही हैं, मतलब कि कितनी बार हो रही हैं, इनटू वो कैसे होता है वो समझाना बच्चों को। साइन क्या होता है इसका, और रिपीटेड एडिशन क्यों कहते हैं इसको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस मैथिलिका। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। टेबल लर्न करने के लिए कोई भी ट्रिक्स टिप्स नहीं यूज़ हो सकती हैं, वो सिर्फ लिखने में यूज़ हो सकती हैं कि ठीक है ये ऐसे हम लिखेंगे और इसको हम उल्टा लिख देंगे तो ये हमारी 9 की टेबल हो जाएगी, ऐसा कर लेंगे तो ये हमारी 2-3 की टेबल हो जाएगी। क्योंकि ये चीज़ें हम लिखते हुए माइंड लगा सकते हैं लेकिन बोलते हुए हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो जब हमें चीज़ें सुनानी होती हैं तो हमें वो टिप्स पे लर्न होनी चाहिए एकदम, और बच्चों को तो बिल्कुल लर्न होनी चाहिए जितनी भी टेबल उनकी क्लास में। तो कैसे कर सकते हैं, एक बार जब टेबल्स लर्न हो जाती हैं तो साथ साथ हमें मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस भी करने होते हैं। तो वो चीज़ कैसे हम स्टार्ट करेंगे वो देखते हैं इसमें। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम उसको क्या कहते हैं, हम रिपीटेड एडिशन कहते हैं। ऐसे डिवीजन में हम क्या कहते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन में हम डिवाइड कर रहे होते हैं चीज़ों को, ठीक है, माइनस कर रहे होते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं चीज़ों को, मतलब इंक्रीज़ कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसे रिपीटेड एडिशन भी देखेंगे हम, इसका कैसे हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकता है, हम बच्चों को कैसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं ताकि उनको मल्टीप्लाई समझ में आ जाए। अब जैसे यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं इक्वल, दो दो सर्कल्स के। अब अगर हम इसका एडिशन फैक्ट देखेंगे तो क्या होगा, 2 में हम क्या प्लस कर रहे हैं, 2, और फिर 2 में क्या प्लस कर रहे हैं, 2। तो 2 + 2 + 2 तीन बार हमारा 2 प्लस हो रहा है, तीन बार रिपीट हो रहा है 2, तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब यहीं पे अगर इसको हम मल्टीप्लाई के टर्म में देखें तो कितने इक्वल ग्रुप्स हैं, 3, और कितने कितने सर्कल्स के हैं, 2 सर्कल्स के हैं, हर एक में दो दो सर्कल हैं, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा आंसर, ठीक है। रिपीटेड में सेम चीज़ आपकी जो ग्रुप्स हैं वो प्लस होते रहेंगे, और मल्टीप्लिकेशन में वो ग्रुप्स नंबर ऑफ जो हमें चीज़ मिली हुई है ग्रुप में उससे इंटू हो जाते हैं। अब दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक यहाँ पे 3 फ्लावर्स हैं, दो ग्रुप बने हुए हैं। अब कितने दो ग्रुप हैं, 2 इक्वल ग्रुप्स ऑफ कितने फ्लावर्स हैं, 3 फ्लावर्स हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 × 3, 2 × 3 = 6, ठीक है। अब इसको इस वे में बच्चों को दे सकते हैं कि भाई दो दो हमने क्या करे हैं, बलून बना लिए हैं, तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 इतनी बार 2 प्लस करना पड़ रहा है हमें। अगर हम देखें तो क्या होगा, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, कितने ग्रुप्स हैं दो दो के, 1, 2, 3, 4, 5 ग्रुप्स हैं 2, 2 के, तो 5 × 2 कितने टाइम्स हैं, 2 कितने टाइम्स हैं, 5 टाइम्स हैं, तो 5 × 2 = 10, 10 बलून्स हैं यहाँ पे, ऐसे बता सकते हैं। फिर हम ये भी करने को दे सकते हैं, ऐसी एक एक्टिविटी बना सकते हैं, लाइक 2 + 2 + 2, और यहाँ पे दो दो बलून हैं, इनको 3 × 2, तो बच्चे को समझ में आएगा इस चीज़ के बारे में। ऐसे यहाँ पे 4 टाइम्स हमने क्या लिया है, 2 लिया है, तो ये दो दो लीव्स का 4 ग्रुप्स हैं, तो 4 × 2 = 8 होगा। ऐसे हमारा क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ग्रुप हैं 2, 2 के, तो 6 × 2 = 12 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हर सेकंड नंबर को आपको कलर करना है सेम कलर से, ठीक है। तो हमने क्या करा, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके हम सबको कलर कर देंगे, और उसके बाद उसको बोलेंगे जो आपने नंबर कलर किए हैं उनको यहाँ लिखो, तो 2, 4, 6, 8, फिर क्या आएगा, 10, 12, 14, 16, 18, 20, तो ये किसका टेबल हो रहा है, हमारा 2 का टेबल आ रहा है हमारा, ठीक है। फिर ये एक्टिविटी हम क्या दे सकते हैं, रीड दी 2 टाइम टेबल, राइट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट।
अब यहाँ पे ये दो बॉक्सेस बने हैं, तो वन टाइम टू इज, ग्रुप कितनी बार है, ग्रुप एक ही है, तो कितने का है, दो का, तो वन इंटू टू टू आ जाएगा। फिर टू टू के दो ग्रुप्स हैं, मतलब कि कितनी बार है, ये दो बार है, तो टू टाइम्स टू कितना होगा, फोर, ऐसे ही वन टू थ्री, थ्री टाइम्स हो रहा है दो दो का जो ग्रुप है, तो थ्री टाइम्स टू कितना होगा, सिक्स, ऐसे ही फोर टाइम्स टू कितना होगा, एट, फाइव टाइम्स टू कितना होगा, टेन। हम पहले फाइव फाइव करके दे सकते हैं, टू की टेबल ही चल रही है ये, उसके बाद हम उसको सिक्स से लेके टेन तक की कर सकते हैं, पूरा इस टेबल को पूरा कर सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल में लिया है कि कोई भी चीज़ उतने टाइम्स जब होती है तो वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। फिर हम ये भी कर सकते हैं कि सैम जम्प्ड टू स्टेप्स ईच टाइम, तो सैम जो है वो टू स्टेप्स चलेगा हर टाइम, और उसने कितने जंप लिए हैं, फोर जंप लिए हैं, तो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ये नंबर लाइन है, ज़ीरो से टू पे आएगा, पहली जंप ली उसने, फिर दूसरी जंप में फोर पे आएगा, तीसरी जंप में सिक्स पे आएगा, एंड फोर्थ जंप में एट पे आएगा, ठीक है। तो फोर टू ज़ा एट, फोर जंप लिए, स्टेप्स कितने कितने लिए, टू टू, तो फोर टू ज़ा एट, ये एक्टिविटी हम करने को दे सकते हैं घर पे आराम से। फिर सेम चीज़ है, जैसे वहाँ हमने टू का किया था, यहाँ हम थ्री का कर रहे हैं, लाइक थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री कितने टाइम्स है, वन टाइम आ रहा है, ग्रुप जो है थ्री का कितनी बार है, एक बार है, वन टाइम, तो थ्री वन ज़ा थ्री। अब थ्री थ्री के ग्रुप्स कितनी बार हैं, टू टाइम्स हैं, तो थ्री इंटू टू सिक्स, थ्री 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 टाइम्स हैं तो नाइन, ऐसे करके हमने ये कर लिया। और हम ये भी दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे फिगर को बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए कितने ग्रुप्स कितने हैं, दो ग्रुप्स हैं, दो लीव्स के, वन टू, टू ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप में कितनी लीव है, तो एक ग्रुप में कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव हैं, इन ऑल कितनी है, कितनी है, फाइव प्लस फाइव टेन, दो बार है ना, तो टेन है, रिपीटेड एडिशन फैक्ट क्या हो जाएगा, फाइव प्लस फाइव इज इक्वल्स टू टेन, और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू टाइम्स हैं कितनी कितनी, फाइव, तो टू फाइव ज़र टेन, ऐसे करके थ्री का, फोर का, फाइव का, ऐसे करके भी बना के हम दे सकते हैं। तो ये भी जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। तो ऐसे करके जो है चीज़ें हम रेगुलर बेसिस पे बच्चों को करने को दे सकते हैं, ताकि उसको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके समझ में आ जाए, मल्टीप्लाई मतलब ग्रुप में, और उसके बाद उसको कितने टाइम्स है वो, उसको इंटू करना, ये मल्टीप्लिकेशन होता है जिसमें इंक्रीज होती हैं चीज़ें। अब आ जाते हैं टेबल्स पे, तो टेबल्स जैसे कि बताया कि स्कूल में ऑलरेडी वो पढ़ रहा होता है, घर पे हम क्या करेंगे, घर पे उसके साथ उसको रेगुलर बेसिस पे बोलेंगे पढ़ो। अब वो पढ़ लेता है तो उसको एक बार बोलेंगे पहले सिर्फ इतना पढ़ो, टू फाइव या टेन तक, तो फाइव टाइम्स टू फाइव या टेन तक पढ़ लिया, फिर टू सिक्स से टू ट्वेंटी तक कर लिया यहाँ तक, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि अभी टू सेवन जा तक करो, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा करो, फिर हम कह सकते हैं यहाँ तक करो और फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा करो, डिवाइड कर दिया हमने टू थ्री पार्ट्स में इसको, ताकि उसको याद रहे। उसके बाद आप कह सकते हैं, आप बताओ, चलो तो टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, चेक करते रहो कि तुम्हारा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट, टू फाइव ज़ा टेन, ऐसे करके फिर जहाँ पे गलती हो रही है वो गलती फिर से उसको एक बार आप लिखाइए कि एक बार लिखो, लिखने के बाद फिर से उसको दो बार दीजिए कि पढ़ लो। तो ऐसे करके हाफ हाफ करके या थ्री टाइम्स में उसको डिवाइड करके चीज़ें हम टेबल्स जो हैं लर्न करा सकते हैं बच्चे को, सेम ऐसे थ्री का, फोर का, फाइव का, जितने भी टेबल्स हैं स्टार्टिंग में ऐसे ही उसको याद हो सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, अगर रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।